नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हमारे साथ है आज की इस वीडियो में IFB कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन 20 लीटर्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और देखेंगे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं IFB कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन के साथ में, और ये ओवन किस तरीके से फंक्शन करता है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। इस कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन के साथ हमें मिलती है ये रेसिपी बुक रीजनल कुक बुक ऑफ इंडिया, जिसमें आपको नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में बनाई जाने वाली जो फेमस रेसिपीज़ हैं उसको हम माइक्रोवेव में किस तरीके से बनाएंगे उसके बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। किस मेन्यू को किस तरीके से यूज़ करना है वो सारी डिटेल यहाँ लिखी हुई है। इसके अलावा इस माइक्रोवेव के साथ हमें मिलता है एक स्टार्टर किट, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बॉक्स थोड़ा डैमेज है, बट एक बार इसको ओपन करके हम चेक कर लेते हैं किस तरीके का है ये, क्या क्या चीज़ें इसके साथ मिलती है स्टार्टर किट के रूप में। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। हम स्टार्टर किट के रूप में हमें मिलता है सबसे पहले ये स्टैंड, इसके बाद हमें मिलता है एक यहाँ पर एक ओवन सेफ बोल। साइज़ की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1 लीटर के आसपास का है। इसके बाद एक ये हमारा मेजरिंग ग्लास हमें मिलता है। इसके अलावा एक हमें मिलता है यहाँ पर स्पैटुला। इसके बाद इसके अंदर हमें मिलता है कि ये इडली स्टैंड, हम देख सकते हैं यहाँ पर 4 और 4 8 इडली एक साथ हम बना सकते हैं। तो आपको एक मिल जाता है इडली स्टैंड, एक ये बोल मिलता है, एक मेजरिंग ग्लास, एक स्पैटुला और एक ये स्टैंड ओवन के अंदर रखने के लिए। तो चलिए कर देते हैं इसे हम साइड में, देख लेते हैं ओवन के बेसिक फंक्शंस को और इसको एक बार क्लोज़र लुक इसका ले लेते हैं। ये ओवन का ऊपर का पैनल है, जहाँ पर यहाँ हम देखेंगे तो कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए हुए हैं। आगे के साइड में जो यहाँ नंबर्स हम देख रहे हैं, ये डिफरेंट रेसिपीज़ बनाने के लिए क्या क्या हम मेन्यू यूज़ करेंगे, कौन सा मेन्यू यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट का पैनल है, जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे तो आती है यहाँ पर 3 ईयर्स की वारंटी ऑन मैग्नेट्रॉन एंड कैविटी। यहाँ पर मॉडल नंबर कन्वेक्शन 20SC2, 20 लीटर का ये कन्वेक्शन है तो उसका यहाँ पर मॉडल नंबर दिया हुआ है। इसके बाद 3 ईयर्स वारंटी के नीचे में मिलता है कन्वेक्शन ग्रिल सोलो मल्टी स्टेज कुकिंग 24 आउट कुक मेन्यूज़, जो रेसिपी बुक मैंने आपको दिखाई, और यहाँ पर रजिस्टर फॉर फ्री कुकिंग क्लास एट IFB केयर। अगर आप फ्री क्लासेस करना चाहते हैं कुकिंग से रिलेटेड तो IFB केयर में अपने आप को रजिस्टर करके फ्री क्लासेस ले सकते हैं। राइट हैंड पैनल पर अगर हम देखेंगे तो राइट हैंड पैनल पर हमें मिलता है इसके कुछ मेन्यूज़। यहाँ पर ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं, ये पोर्शन, ये दिस डिस्प्ले पैनल, यहाँ पर टाइमिंग वगैरह वो डिस्प्ले होता है। नीचे मेन्यूज़ इसके दिए हुए हैं, ब्रेड स्नैक के लिए, रीहीट करना है उसके लिए बेवरेज, स्टफ्ड वेज, राइस डिशेस, देसी मसाला मिक्स वगैरह वगैरह ये डिशेस हैं। प्लस यहाँ पर टाइमिंग सेटअप के लिए मिनट्स आपको प्लस सेकंड दिया हुआ है। इसके अलावा ग्रिल कन्वेक्शन माइक्रो प्लस ग्रिल माइक्रो प्लस कन्वेक्शन माइक्रोवेव पावर लेवल टाइमर क्लॉक वेट डिफ्रॉस्ट वगैरह करने के लिए प्लस एक्सप्रेस कुकिंग स्टॉप रीसेट एंड स्टार्ट बटन। तो इतनी फंक्शंस हमें मिलते हैं फ्रंट के पैनल पर। साइड पैनल पर अगर हम देखेंगे तो साइड पैनल पर हमें कुछ नहीं मिलता है, ये पूरा ब्लैंक है पोर्शन। इधर के साइड पैनल पर देखेंगे तो ये भी पूरा ब्लैंक है, जस्ट केवल एयर को पास करने के लिए यहाँ पर कुछ स्पेस दिया हुआ है। ऊपर के पैनल पर भी सेम वही स्पेस है। पीछे के साइड अगर हम देखेंगे तो पीछे का साइड एक बार हम देख लेते हैं उनका।
यहाँ आपको मिलता है वायर इसका, और जस्ट एयर पासिंग के लिए कुछ स्पेस यहाँ दिया हुआ है, दैट्स ऑल। तो एक बार इस ओवन का लिड ओपन करके कैविटी भी देख लेते हैं, अंदर का पोर्शन कैसा दिखता है। ओपन करने के लिए यहाँ से हम इस प्लास्टिक टेप को हटाएंगे, यहाँ से इसका लिड ओपन करते हैं हम। लिड ओपन करने के बाद अंदर आपको कुछ और चीज़ें मिलती हैं, वन बाय वन करके उसे हम निकालते हैं। दिस इज़ माई IFB माइक्रोवेव ओवन ओनर मैनुअल, इसमें कुछ कुकिंग से रिलेटेड गाइड आपको मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर हमें मिलता है इसे क्लीन कैसे करते हैं, क्लीन करने का कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीडियर वो दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमें मिलता है एक स्टैंड, इसको भी हम ओपन करके देख लेंगे। इसमें आपको सबसे पहले ये मिलता है रोलर, इसे हम जो नीचे यहाँ पर ये एरिया दिया हुआ है यहाँ पर इसको हम रखेंगे। इसको यहाँ से हम टेप निकाल लेते हैं, इसे हम यहाँ पर ऊपर रख लेंगे। इसके बाद जो ये ग्लास का प्लेट दिया हुआ है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, ये इसके होल्स को इसमें हमें प्रॉपर फिट कर लेना है। इसके बाद हमें एडिशनल यहाँ पर मिलता है ये पिज्ज़ा के लिए एक यूटेंसिल है, दिस फॉर मेकिंग पिज्ज़ा। और यहाँ पर हमें दो ग्रिलिंग स्टैंड मिल जाते हैं, एक छोटा और एक बड़ी साइज़ का, जिसको अपनी आवश्यकता अनुसार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक एडिशनल मिल जाता है काइंड ऑफ स्पैचुला, जिसमें हमें कुछ बेक किए हुए जो डिशेज़ हैं उसको निकालने के लिए इस तरीके से करके यूज़ हम कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है इस ओवन के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री। तो कर देते हैं इन सब चीज़ों को साइड और एक बार इसे हम प्लग इन करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से फंक्शन करता है। बट प्लग इन करने से पहले ये कुछ चीज़ें हैं, इसे हम यहाँ से हटा देंगे। इसे हम यहाँ पर करते हैं प्लग इन और करते हैं स्विच को ऑन। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी जो डिस्प्ले लाइट है वो ऑन हो चुकी है। अंदर का अगर हम पोर्शन देखेंगे तो अंदर की आप लाइट देख सकते हो, ये पूरा ऑन है। ऊपर आपको टॉप साइड में अगर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ प्रॉपरली, तो एक ग्रिल आपको ऊपर मिलता है, हीटिंग ग्रिल, और नीचे ये पूरा पोर्शन कुछ इस तरीके का नज़र आता है। इसे यहाँ पर स्टार्ट बटन है, इसे हम स्टार्ट बटन पे प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लॉक लिख करके आ गया है। कोई भी फंक्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे, सपोज़ ब्रेड एंड स्नैक, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर प्रिंट हो चुका है। देन हम यहाँ पर स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं अंदर की जो फंक्शनिंग है वो चालू हो चुकी है। आपको कुछ हमिंग का साउंड भी आ रहा होगा, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और ये यहाँ पर टाइमिंग डिस्प्ले कर रहा है, 7 मिनट्स 55 सेकंड से स्टार्ट हुआ था, या 56-57 सेकंड से स्टार्ट हुआ, मैं देख नहीं पाया उस चीज़ को। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टाइम अब ऑटोमेटिकली ये वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कम हो रहा है। तो ये 7 मिनट या 8 मिनट की अप्रॉक्सीमेटली ये पूरा ओवन चलेगा, और ब्रेड और स्नैक्स हैं वो उसके लिए ये फंक्शन पर्टिकुलर काम करेगा। रीहीट करना है तो उसके लिए ये फंक्शन आप यूज़ करेंगे, बेवरेजेस के लिए ये, तो अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, और आपके जो भी सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका समय शुभ हो। थोड़ी देर फंक्शन ऑन करने के बाद हमने ये लिड को ओपन कर लिया हुआ है। अंदर शायद आपको थोड़ा स्मोक नज़र आ रहा होगा, बट ये कैमरे में आई डोंट थिंक कि स्मोक आपको दिख रहा होगा, बट मैं क्लियरली यहाँ पर स्मोक देख सकता हूँ, और अंदर का पोर्शन काफ़ी हीट हो चुका है। चलिए कर देते हैं लिड को हम क्लोज़।